हेलो गाइस, तो अपने गेम के अंदर काफी मस्त मस्त इवेंट भी आने वाला है जिसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे आज। यही नहीं, अभी और सुनिए। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताएंगे कि अपने गेम के अंदर इमोट पार्टी इवेंट कब आएगा और इसका कंफर्म डेट क्या है। और इसके साथ साथ आप लोग को ये भी जानने को मिलेगा कि लॉल इमोट अपने गेम के अंदर कब बैक देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी देखने के लिए मिलेगा कि पिंक डायमंड से आप लोग को क्या रिवॉर्ड मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताएंगे कि अपने गेम के अंदर बॉनी बंडल कब ऐड होगा। और ये भी आप लोग को बताएंगे कि कोबरा बंडल अपने गेम के अंदर कब आएगा। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चल चुका है कि कल 14 सितंबर को यानी अपने टू नाइट अपडेट भी मुझे पता चल चुका है, जिसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। मुझे सब पता है। गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए थोड़ा भी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। लेकिन आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके और वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दो किसी एक प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। भाई ने बोला करने का तो करने का। और साथ ही साथ अपने गेम के अंदर एक न्यू बंडल भी ऐड होने वाला है जिसके साथ आप लोग को लैम्बोर्गिनी वाला इमोट और दो बंडल देखने के लिए मिलेगा, जिसका मैं आप लोग को प्रीव्यू कराता हूँ। इसका कंफर्म डेट भी आप लोग को जानने को मिलेगा, तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो ब्रदर ये बताएंगे कि अपने गेम के अंदर कब तक आएगा, तो भाई साहब ये नवंबर में अपने गेम के अंदर ऐड हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो एक फीमेल का बंडल है जो काफ़ी कमाल का है और एक ये इमोट है जो अपने को टॉप अप इवेंट पे आया था, लेकिन अब ये इसमें इतना डायमंड काट रहा है क्या ही बोल सकते हैं। और ये लैम्बोर्गिनी का इमोट भाई साहब क्या ही बोल सकते हैं ना भाई, इतना ज़्यादा रेयर इमोट है। देखो तो एक बार प्रीव्यू भी करा दूँ रहा हूँ, भाई साहब क्या ही कमाल का है। तो भाई साहब नेक्स्ट अप टू डेट के बारे में बात करते हैं जो अपने गेम के अंदर है पिंक डायमंड, यानी पिंक डायमंड से आप लोग को कौन सा इवेंट मिलेगा। तो भाई साहब देख सकते हो कि यह बंडल भी आप लोग को जो दिवाली के थीम पे दिया हुआ था रावण वाला बंडल, ये अपने को पिंक डायमंड से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप लोग को एक इमोट भी देखने को मिल सकता है। कितना कमाल है और क्या है बोल सकते हैं, पिंक डायमंड से इतना कुछ हम लोग को मिलेगा, हमें तो ये पता ही नहीं था। भाई साहब क्या ही मिलने वाला है, भाई साहब बंडल तो देखो जरा, इतना सारा बंडल, इतना सारा इमोट, भाई सब क्या ही बोल सकते हैं। आप लोग को डायमंड भी लगाना पड़ेगा पिंक डायमंड के साथ, और क्या ही बोल सकते हो, इतना सारा ऑल आइटम आप लोग को देखने को मिलेगा पिंक डायमंड से। तो भाई साहब ये सभी अपने गेम के अंदर पिंक डायमंड का इवेंट कब तक आएगा, तो भाई साहब अगले मंथ में इतना ज़्यादा इवेंट आने का डिमांड है, क्या ही बोल सकते हैं। गरीना की तरफ से सारे इवेंट कंफर्म हो चुका है जो अपने गेम के अंदर नवंबर मंथ में 24 नवंबर को देखने को मिलेगा। तो भाई साहब बढ़ते अपने नेक्स्ट अप टू डेट के बारे में, तो भाई साहब अपने गेम के अंदर काफ़ी दिनों से लॉल इमोट को स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। तो भाई साहब बताएंगे कि अपने गेम के अंदर लॉल इमोट कब तक आएगा। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि अपने अगले मंथ में दीपावली इवेंट आने वाला है, जिसके तरफ से आप लोग को गरीना ने कुछ यानी इवेंट तैयार करके दिया है। भाई ये अभी अदर सर्वर में चल रहा है, यानी दूसरे सर्वर में अभी ये इवेंट चल रहा है जो आपको टॉपअप करने पर डायमंड बोनस भी मिलता है, यानी आपको 180 का टॉपअप मारते हो तो 200 डायमंड आपको मिल जाएगा। तो भाई साहब अभी दूसरे सर्वर में है, अभी इंडिया सर्वर के लिए कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगले मंथ तक अपने इंडिया सर्वर में भी आज आएगा। तो भाई साहब ये दूसरे सर्वर का मैं वीडियो बता रहा हूँ कि दूसरे सर्वर में अभी ये इमोट चल रहा है जो आपको क्या बोलते हैं टॉपअप मारने पर मिल जाएगा 99 डायमंड में, और काफ़ी सारे बंडल भी है जो आपको क्या बोलते हैं लाइट पास, भुया पास, ये सभी आपको टॉपअप मारने पर एक ही डायमंड से आप लोग किन सकते हो। तो भाई साहब अगले अप टू डेट के बारे में आप लोग को बताऊंगा, यानी दूसरे सर्वर से रिलेटेड है जिसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा क्या बोलते हैं एक डायमंड में आप लोग भुया पास खरीद सकते हो, एक डायमंड में आप लोग इमोट खरीद सकते हो। भाई साहब ये दूसरे सर्वर में इंडिया सर्वर के लिए भी कंफर्म होगा, लेकिन अभी तक गरीना इंडिया सर्वर के लिए कुछ कंफर्म ऐसा इवेंट नहीं किया है। तो आप सभी को पता होगा इंडिया में इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं क्रिएटर है फ्री फायर का, क्या ही बोल सकते ब्रदर, इंडिया इतना कहीं भी नहीं है। ऐसा तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो भाई साहब अपने गेम के अंदर दिवाली के थीम पे हर साल इमोट पार्टी देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस बार भी मिलेगा जिस प्रकार का होगा, जिसमें आप लोग को थ्रोगन इमोट देखने के लिए यानी काफ़ी चेंजेस इमोट देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताएंगे कि अपने गेम के अंदर कोबरा बंडल कब आएगा, तो इसका मैं आप लोग को बता दूँ, कंफर्म कर दूँ कि अपने गेम के अंदर कोई कोबरा बंडल आने वाला नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर को आप लोग वीडियो देखते होंगे कि कोबरा बंडल कब आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा, लेकिन कोबरा बंडल अपने इंडिया सर्वर में देखने को नहीं मिल सकता, जिसमें यानी अदर सर्वर में ये चल रहा है कि रिंग इवेंट है, दूसरे सर्वर में है अभी ये कोबरा का रिंग इवेंट जिसमें आप लोग को स्पिन करके दिखा देता है दूसरे यूट्यूबर, तो आप लोग सही रियल बात मान लेते हो, लेकिन ऐसा अपने इंडिया सर्वर में अभी नहीं आएगा।
इसके लिए आप सभी को वेट करना पड़ेगा, नहीं अगले मंथ में आएगा नहीं दूसरे मंथ में आएगा। ये अभी अपने गेम के अंदर के लिए डिजाइन नहीं किया गया, तो बताया गया कि अपने गेम के अंदर क्या आने वाला है। तो भाई साहब इसके साथ इसके ही जगह पर अपने को देखने को मिलेगा स्कॉर्पियो बंडल यानी नेक्स्ट मंथ में, जो आप लोग को ये कंफर्म कर दिया है गरीना वाले ने कि अक्टूबर मंथ में आप लोग को स्कॉर्पियो बंडल देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कोबरा बंडल अपने गेम के अंदर अभी देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो बंडल का एंट्री तो भाई सोचो क्या बोलते हैं, कोबरा बंडल का डिस एंट्री भाई साहब, यही दोनों बात बराबर है, क्योंकि अपने गेम के अंदर ये स्कॉर्पियो बंडल आएगा और साथ ही साथ इसका इमोट भी दोनों अपने को देखने को मिलेगा। भाई साहब ये भी हम बता रहे हैं कि दूसरे सर्वर से है, लेकिन इंडिया सर्वर के लिए भी कंफर्म हो चुका है कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में 24 अक्टूबर तक ये आने का हाईएस्ट चांस है, लेकिन 24 नहीं तो 26 अक्टूबर को अपने गेम के अंदर स्कॉर्पियो बंडल देखने के लिए मिल जाएगा, जो टोकन टावर व्हील इवेंट में आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि गरीना जानता है इंडिया सर्वर में बहुत बंदे हैं जो अमीर है, क्योंकि टॉप अप इतना आप लोग करते ही हो कि उनको डायमंड काटने में मज़ा आता है, इसीलिए अपने को रिंग इवेंट में नहीं दे सकता है, ये देगा तो टोकन टावर इवेंट में। तो भाई साहब क्या ही आप लोग को कौन सा स्कॉर्पियो बंडल कलर में अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। गाइज बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो भाई साहब अपने गेम के अंदर ब्लैक वनी बंडल कब देखने को मिल सकता है, इसका कंफर्म डेट भी आप लोग को बताएंगे। तो गाइज ये अपने गेम के अंदर टोकन टावर के इवेंट में आने वाला है, जो इस प्रकार के होगा कि ऑल बनी बंडल देखने को मिलेगा और टोकन भी साथ ही साथ इसका देखने को मिलेगा। तो भाई साहब नॉर्मल वाला ब्लैक वाला ये भी बनी बंडल देखने को मिलेगा, और क्या बोलते हैं पिंक वाला बनी बंडल भी अपने को देखने को मिल सकता है, और एक येलो वाला बंडल भी आप लोग को देखने को मिलेगा, और ब्लैक वाला सबसे ज़्यादा रेयर होगा, इसीलिए आप लोग को टोकन 5 टोकन कलेक्ट करने पर आप लोग को ये ब्लैक वाला बनी बंडल देखने को मिलेगा भाई साहब। लेकिन सबसे रेयर तो यही बनी बंडल है। तो भाई साहब बात करते हैं कि अपने गेम के अंदर कब आएगा, तो भाई अभी इसका कंफर्म डेट भी कंफर्म नहीं हुआ है कि गरीना किस डेट को अपने गेम के अंदर ये बोलते हैं ना रेड वाला बनी बंडल डालेगा। ब्रदर कुछ इस प्रकार का भी इवेंट आने का हाईएस्ट चांस है, टोकन व्हील के इवेंट में भी आ सकता है ये रेड वाला बनी बंडल। लेकिन भाई साहब रेड बनी बंडल का तो इतना ज़्यादा डिमांड है, जिसके साथ ये क्या बोलते हैं G36 का भी गन का स्किन भी आएगा, और एक वॉल भी आएगा, और एक बैकपैक भी, अवतार बैनर दोनों साथ में इसके आएगा, जिसका हाईएस्ट चांस बन रहा है कि अपने गेम के अंदर दिसंबर मंथ तक आने का हाईएस्ट चांस बन रहा है। यानी बहुत सारे आप लोग वीडियो भी देखे होंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि नवंबर में आएगा सितंबर में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई साहब आप लोग देख सकते हो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कितने प्यार से लिखा है कि डबल डायमंड टॉप अप इवेंट कब आएगा। भाई साहब ये कितना बार हमसे बोलवाओगे दिवाली दिवाली दिवाली, भाई साहब ये सारे इवेंट जो होता है ये दिवाली के थीम पे देता है गरीना वाले ने। ये भी कंफर्म हो चुका है कि डबल डायमंड टॉप अप अपने गेम के अंदर दिसंबर नहीं बोल सकते, नहीं नवंबर बोल सकते, नहीं अक्टूबर, भाई साहब सीधे बोल सकते हैं कि अक्टूबर मंथ में अपने को 31 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर को अपने को डबल डायमंड टॉप अप देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई साहब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, तो भाई साहब बताएंगे कि कल अपने 14 सितंबर को अपने गेम के अंदर कौन सा नया इवेंट देखने को मिलेगा। तो ब्रदर अपने गेम के अंदर के लिए यही गरीना वालों ने डिज़ाइन किया है दो एंट्री एनिमेशन, जिसका मैं आप लोग को प्रीव्यू भी करा दूंगा, जो काफ़ी कमाल के होने वाला है, क्या बोल सकते हैं इसमें दोनों एंट्री एनिमेशन इतना खतरनाक। लेकिन भाई साहब आप लोग कोई एक ही एंट्री एनिमेशन ले सकते हो, या कोई गन का स्किन भी आप लोग ले सकते हो, जिसमें आप लोग को डिजर्ट देखने के लिए मिलेगा, और डबल वेक्टर का स्किन मिलेगा, और चार्ज बोस्टर का, और छोटा सा एक क्या बोलते हैं शॉर्ट गन का स्किन देखने को मिलेगा। तो ब्रदर बता दे कि ये एंट्री एनिमेशन कल के सुबह अपने 4 बजे देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफ़ी कमाल का एंट्री एनिमेशन देख सकते हैं। दो एंट्री एनिमेशन है, लेकिन आपको एक ही चूज करना पड़ेगा, या तो एंट्री एनिमेशन करो या कोई गन का स्किन कर सकते हो। तो भाई साहब कितना खतरनाक है, आप लोग को कौन सा एंट्री एनिमेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। भाई जब देखो तो ज़रा कैसे आ रहा हो वो भी ब्रो, क्या है बोल सकते हो ब्रदर ये एंट्री एनिमेशन के बारे में। तो भाई जब वीडियो के अंत में पहुंच गए, तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, इसीलिए वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, लव यू सो मच।